Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello friends, a very good evening. So guys, this is our second video for today. So in the first video, that was like 1 hour, we discussed the theory of Heisler's chart. And what I felt is कि मतलब Heisler's chart का जो theory है वो थोड़ा सा मेरी तरफ से hard हो गया. Hard in the sense कि वो buttery smooth वाला feeling नहीं आया. So last में होता है ना कि हाँ पता लगता है यार क्या smooth मक्खन की तरह class गया. Maybe ये भी हो सकता है क्योंकि Biot's number and all I did not discuss because you already know it through the lumped parameter analysis. और मेरा इस class में agenda यही था कि एक Heisler's chart का एक hint पता लग जाए कि Heisler's chart ऐसा होता है. But through these 3 questions, we will definitely cover up the entire thing. हम पूरा कोशिश करेंगे कि हमारा understanding भी improve हो जाए, हमें पता लग जाए Heisler's chart कैसे use करना है, उससे कैसे answer निकालना है, और दो तरह के possible questions बनते हैं on Heisler's chart. Both of them are here. ठीक है? So ध्यान से करेंगे और अच्छे से करेंगे, और मुझे लगता है within like 1 hour, 15 minutes or 20 minutes, we will be able to wrap up this session. For your information, till now questions on Heisler's chart have not come in gate exam. ठीक है, अब तक Heisler's chart पे gate exam में question नहीं आया, पर आने के chances रहते हैं. Gate exam में एक question आया था 2016 में, but वो ना Heisler's chart पे नहीं था, वो थोड़ा सा out of syllabus question था. So अगर time आज allow करेगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि वो वाला question भी कैसे होता है. हाँ नहीं 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 नहीं, पता है क्या दीपांकर, दीपांकर अगर सही, बाकी गुड इवनिंग. तो दीपांकर ऐसा है बेटा कि अगर सही तरीके से वैल्यूज बनाया जाए, जैसे आज मैंने पता है क्या किया, मैं मतलब सारी वैल्यूज तो अच्छे से नहीं बनाई, मैंने क्वेश्चन फटाफट फ्रेम किए थे. सो ये मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था. सो इस क्वेश्चन में मैंने पर्टिकुलरली एक वैल्यू ऐसी डाली है जैसे ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू मैंने ऐसी डाली है कि एक डायमेंशनलेस नंबर सिंपल हो जाए, और अगर डायमेंशनलेस नंबर सिंपल हो गया तो वो डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं. सो ये क्वेश्चन बनाने वाले पे है कि क्वेश्चन बनाने वाला कितना टाइम लगा के क्वेश्चन बना रहा है, और अगर उन्होंने सही तरीके से क्वेश्चन बनाया तो सही वैल्यूज भी आएंगी, बस इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए. हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्लीन होने चाहिए, आराम से सही एक्यूरेट आंसर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं. सो गाइज, आई होप आप लोगों समझ पाए दीपांकर क्या कह रहा है. दीपांकर ये कह रहा है कि सर इन क्वेश्चंस में ग्राफ को रीड करना पड़ता है. सो मान लीजिए 5 और 6 के बीच में वैल्यू आ रही है. सो सम स्टूडेंट विल से दिस इज 5.5, सम स्टूडेंट विल से दिस इज 5.4. सो ऑब्वियसली ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट डिफरेंट आंसर्स. But if such a question comes in gate exam, first of all, the range of their correct answer will be bigger. And secondly, if the guy who is making the question, he is spending some time, then he can put values which are giving good results, good accurate results. ठीक है? तो चलो, time waste नहीं करते. Let us not waste any time and let us start. So, for your information, if anyone who is watching the video new, so every day at 9:30 PM on the same channel, I discuss previous year questions of heat transfer and fluid mechanics. तो अभी heat transfer के question चल रहे हैं, और आज हम conduction के question करके radiation के question start करेंगे. And on 22 of December, there is a quick revision session of heat transfer. So entire day we will revise heat transfer, and on 26 January entire day we will revise fluid mechanics. ये हमारा agenda है. तो अगर आपको लगे कि मैं ठीक, मतलब आपको फायदा हो सकता है, तो आप definitely attend कर सकते हैं. ठीक है? चलो फिर guys, start करते हैं, और पहली video में जो कमी रह गई उसको cover up करते हैं. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. सो दीपांकर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, और मेरे साथ ही सॉल्व करना, सो दैट वी कैन सेव सम टाइम. नाउ गाइस, इट सेज अ 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर कॉपर स्लैब. ठीक है, तो एक कॉपर का स्लैब है जिसका एरिया 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर है, एंड यहां पे एक्चुअली ये लिखा हुआ था स्लैब ऑफ थिकनेस 6.25 mm. सो स्लैब का थिकनेस क्या है, 6.25 mm है. हैज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस. सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्लैब.
ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्लैब ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हमारा हमें टॉपिक की भी अंडरस्टैंडिंग रहे साथ साथ, टॉपिक की भी अंडरस्टैंडिंग रहे. सो लेट मी ड्रॉ द स्लैब वंस. सो हमारे को जो स्लैब दिखाई देगा वो स्लैब कुछ ऐसा दिखाई देगा. सो दिस हाइट दिस इज 50 सेंटीमीटर, दिस विड्थ दिस इज 50 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस दैट इज 6.25 mm. So obviously, as compared to the thickness, the length or the width or the height of the slab is much larger. So when you will expose this slab to some fluid, the heat transfer in the slab will be one dimensional and it will be along the thickness. जो स्लैब है उसका थिकनेस जो है वो हाइट और विड्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. तो जब आप इस स्लैब को किसी फ्लूइड को एक्सपोज करेंगे तो स्लैब हीट लूज करेगा, तो स्लैब के विद इन हीट कंडक्शन होगा, तो वो जो कंडक्शन है दैट विल बी प्योरली अलोंग द एक्स डायरेक्शन. सो द हीट कंडक्शन विद इन द स्लैब इज वन डायमेंशनल, दिस इज वॉट दे मीन. और प्लीज नोट, आपके सिलेबस में टू डायमेंशन प्रॉब्लम है भी नहीं, तो आपके केस में हमेशा वन डायमेंशन का ही प्रॉब्लम आएगा. जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो वन डायमेंशन का प्रॉब्लम है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो वॉट वी हैव, इफ अलोंग द थिकनेस वी हैव एक्स डायरेक्शन, सो लेट मी सी द फिगर अलोंग दिस डायरेक्शन. मैं फिगर को इस डायरेक्शन के अलोंग देखूंगा. So when I will see the figure along the direction, I will see the thickness of the slab. मुझे क्या दिखाई देगा? Slab का thickness दिखाई देगा. So let me do one thing, let me make an enlarged figure. थोड़ा understanding के लिए अच्छा रहेगा. So I will make an enlarged figure. I will make a very big figure like this, and this is the thickness of the slab, which is 6.25 mm. So let us call this thickness as capital L. इस thickness को क्या बोल देते हैं हम? Capital L बोल देते हैं. और वो बोल रहा है, initially the entire slab is at a uniform temperature of 300 degrees Celsius. So let me call the initial temperature of slab as 300 degrees Celsius. So यह हमारे पास figure है. And let us do one thing, let us define the slab by Cartesian coordinate system. So this is the middle plane of the slab, this is the middle plane of the slab and this will be your x direction. ये आपका x direction बन जाएगा. So अगर ये x direction है, then the middle plane will be called as x equal to 0, the right hand side plane will be x equal to l by 2 and left hand side plane will be x equal to minus l by 2. आई थिंक बहुत ईजी है. अभी तक मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द फिगर. मैं तो सिर्फ बॉडी को एक्सप्लेन कर रहा हूं. वो जो बॉडी दिया हुआ था उस बॉडी को हमने एक्सप्लेन किया बस. अभी तक हमने क्वेश्चन रीड आउट नहीं किया है, हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है. चलो फिर अब क्वेश्चन पे वापिस चलते हैं. अब वो बोलता है कि इट इज एक्सपोज टू अ फ्लूइड एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 36 डिग्री सेल्सियस. So now this slab is exposed to a fluid which is at a constant temperature of 36 degrees Celsius. So what do you mean by constant temperature of fluid? So actually the temperature of slab is 300 degrees Celsius. Temperature of fluid is 36 degrees Celsius. So what will happen? Because of temperature difference, there will be a transfer of heat. So temperature of slab will decrease and temperature of fluid will increase. But they are saying that assume that the mass of fluid is so large that the temperature of fluid will remain constant. So Dipankar bilkul sahi keh raha hai. Dipankar keh raha hai iska matlab very large reservoir of fluid. So agar fluid ka mass bahut zyada hoga, so jitna marzi wo heat absorb kar le, uske temperature mein koi change nahi aayega. Just like the sink of thermodynamic system. Sink of thermodynamics. The definition of sink in thermodynamics. ठीक है? अब वो बोलता है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ मिडल प्लेन ऑफ द स्लैब आफ्टर वन मिनट. सो मेरे ख्याल से क्या होगा? फॉर द स्लैब व्हेन द स्लैब इज एक्सपोज टू द फ्लूइड द टेम्परेचर ऑफ द स्लैब विल डिक्रीज. सो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द स्लैब इज 300 डिग्री सेल्सियस. They are asking you the temperature of middle plane of the slab after 1 minute. After what? After 1 minute. Okay?
Now guys, some properties of slab material are given to us. So density of the slab is 9000 kg per meter cube. Specific heat is 0.38 kilojoule per kg Kelvin. That is 380 joule per kg Kelvin. And the thermal conductivity is 370 watt per meter degree Celsius. And the coefficient of convection is 90 watt per meter square degree Celsius. Okay? So let us first of all have a look at the physics of the problem. सबसे पहले इसका physics देखते हैं। आप जरा देखो, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि initially the entire slab is at a uniform temperature. So let me do one thing. Let me make a graph of temperature versus x. मैं क्या graph बना रहा हूँ? Temperature versus x का graph बना रहा हूँ. So what is the meaning of x? The meaning of x is this. So x represents a section which is at a distance x from the middle plane. X का मतलब क्या है? कोई भी section का distance from the middle plane. ये आपका x value है. हाँ, दीपांकर एक मिनट. सर ये lambda को eigen value क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक है. ये थोड़ा सा tricky हो जाएगा. इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा. एक्चुअली जब आप हायर ऑर्डर में जाते हो तो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को और मैट्रिक्स को क्लब कर देते हो. सो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि मैं भी अब भूल गया हूँ. सो मुझे याद है, मैंने रोबोटिक्स में भी ये सब काम किए हैं, बट ना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो क्या सिस्टम था. अब 3-4 साल हो गए हैं, ज्यादा टाइम पीरियड हो गए तो थोड़ा सा भूल गया हूँ. अच्छा हाँ, सो x means distance of cross section from the middle plane. अब गाइज एक काम करते हैं, ये जो पूरा वॉल है इस वॉल में मल्टीपल सेक्शंस डिफाइन करते हैं. जैसे यहां पे सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी. ओके, सो लाइक दिस आई एम गिविंग नेम टू द सेक्शंस. सो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ. So basically A represents the surface, almost the surface. B represents this section. C represents this section. So ABC represent different values of X. ABC क्या represent कर रहे हैं? Different value of X represent कर रहे हैं. अच्छा, अब initially means time t equal to 0. Initially every point in the slab had same temperature and the temperature was 300 degree Celsius, 300 degree Celsius, 300 degree Celsius, 300 degree Celsius. So at T equal to 0, at T equal to 0, what is the temperature of X equal to L by 2? Jaldi se bataiye, please be fast. T equal to 0 par X equal to L by 2 ka temperature kitna aayega? T equal to 0 par X equal to L by 2 ka temperature kitna aayega? Please be fast. Please be quick. X equal to L by 2 का temperature कितना आएगा? 300. Very good दीपांकर. So बाकी लोग भी reply कीजिए please. ठीक है, मुझे पता रहता है कि आप लोग connected हैं या नहीं. Connected in the sense मतलब मेरे को पता रहना चाहिए ना कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. So X equal to L by 2 पे भी temperature 300 है. मतलब पूरी body uniform temperature पे थी. Entire body was at uniform temperature. So whether you take the surface that is X equal to L by 2 or X equal to minus L by 2 or you take the middle plane that is X equal to 0, all the sections, all the points, they have same temperature of 300 degree Celsius. In sabhi points ka temperature same hai, 300 degree Celsius. So this is the initial condition, this is the temperature in the slab at T equal to 0. अब आपने क्या किया, इस स्लैब को एक्सपोज किया टू सम फ्लूइड एंड द फ्लूइड हैज अ टेम्परेचर ऑफ 36 डिग्री सेल्सियस. So I think A points, that is the surface, or F points, that is the right hand side surface. Kaun kaun se point? A point or F point. So A point and F point, they are in contact with fluid. So between A point and fluid, there is a temperature difference. Between F point and fluid, there is a temperature difference. So surfaces will start losing heat and the temperature of surface will go down. But if you compare A point and B point, what is the temperature? 300, 300. What is the difference? No difference. So no heat transfer. B and C, what is the temperature? 300 and 300. No heat transfer. Hai na?
So surface is losing heat, the temperature of surface is going down, but the inner material is not losing any heat. So for the inner material, temperature is constant. So after 1 second, the surface will lose heat, but the इनर मटेरियल इज स्टिल एट द सेम टेम्परेचर. तो इनर मटेरियल का टेम्परेचर तो सेम है क्योंकि इनर मटेरियल ने कोई हीट लूज ही नहीं किया, बट सरफेस हैज लॉस्ट सम हीट. सो सरफेस टेम्परेचर इज 250 एंड 250. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट x इक्वल टू एल बाई टू? नाउ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट x इक्वल टू एल बाई टू इज 250 डिग्री सेल्सियस. एट x इक्वल टू माइनस एल बाई टू इज 250 डिग्री सेल्सियस. But from the left hand side surface, if I come a little inside, the temperature will increase. So what will happen? From the left hand side surface, if I go a little inside, the temperature will increase. Now everywhere the temperature is same, it is 300 degrees Celsius. But when I move to the right hand side surface, again the temperature will decrease. So this is the temperature profile in the wall at t equal to 1 second. Now guys, check A and B temperature difference. So B will also start losing heat now. E will also start losing heat now. So what will happen after further 1 second? Now the temperature will be 200, 250 and 300, 300, 250 and 200. बिल्कुल वैसे ही जैसे बाउंड्री लेयर में वैल्यूज लिखता हूं ना, बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं, उसी तरीके से कर रहा हूं. In the same manner I am doing it. Now for t equal to 2 second, when you will draw the temperature graph will look something like this. This is the temperature graph for t equal to 2 second, temperature versus x. And then after some time the temperature will become like this, after some time the temperature will become like this, and finally the entire wall will come in thermal equilibrium with the fluid and its temperature will become 36 degrees Celsius. So, ये आपका t इक्वल टू 3 सेकेंड पे और ये आपका t इनफाइनाइट पे. आप समझ रहे हैं? So this is how the temperature profile looks like in the wall. इस तरह से आपको temperature profile दिखाई दे रहा है. तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे यहां टेम्परेचर है टी ए, टी बी, टी सी, टी डी, टी ई, टी एफ. ऑब्वियसली सिमेट्रिकल है तो ये वैल्यू बराबर होंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होंगे, ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगे. तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपको ग्राफ ऐसे दिखाई देगा ग्रीन कलर में. ठीक है, सो दिस इज द रियल फिजिक्स. इसका जो रियल फिजिक्स है वो ऐसा दिखाई देता है. ऑल ऑफ यू प्लीज डू लेट मी नो, इज इट क्लियर अप टू हेयर? मैंने फर्स्ट क्लास में भी किया था, बट मुझे लगा कि क्वेश्चंस के अंदर भी रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि आप इस टॉपिक को बार बार ना पढ़ते रहें. अब ये आपकी फाइनल रीडिंग होनी चाहिए इस टॉपिक की, क्योंकि आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा है. ये तो नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक फिर भी नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके गेट में आने में चांसेस बहुत कम है. मगर फिर भी हम सिलेबस से कुछ छोड़े ना, इसलिए मैंने सोचा कि हम कवर अप कर लेते हैं. सो प्लीज डू लेट मी नो, इज इट क्लियर अप टू हेयर? ये व्हाइट कलर की जो लाइंस हैं, ये क्या लाइंस हैं? ये टेम्परेचर प्रोफाइल है वॉल के अंदर. सो पहले वॉल के अंदर टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसा था, पहले वॉल के अंदर टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसा था, फिर टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसा दिखाई दे रहा है, और फिर ऐसे दिखाई दे रहा है. ठीक है ना? दीपांकर बेटा, डिफ्यूजिविटी जितनी ज्यादा होती है ना, जो टेम्परेचर वेव है वो उतनी आसानी से पेनिट्रेट करती है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है बेटा. उस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है. ठीक है, थर्मल डिफ्यूजिविटी जितनी ज्यादा होती है, हीट इतनी आसानी से पेनिट्रेट करती है, और आपका जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अचीव होता है. आपका स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा हो गया. ठीक है, क्यों? क्योंकि डेल टी बाय डेल टाइम इज इक्वल टू अल्फा डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर. तो अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डेल टी बाय डेल टाइम उतनी तेजी से चेंज करेगा, उतनी तेजी से चेंज करेगा. Now guys, if we see the figure, अगर हम ये figure देखें, ठीक है? So left hand side वाला figure देखना. I know values थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, but left hand side वाला figure देखना. अगर left hand side वाले figure में कोई particular time instant ले लें, तो A का temperature कितना है? 200 degree Celsius. B का temperature कितना है? 250 degree Celsius.
So different points have different temperature. So definitely temperature is a function of position. और अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लूं ए, तो इसका पहले टेम्परेचर कितना था 300 डिग्री सेल्सियस, बाद में टेम्परेचर कितना है 250 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम, और हम यही वैल्यू जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब मैंने क्या बताया था, सो इन द फर्स्ट वीडियो व्हाट डिड आई टेल यू, आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन टू फाइंड इट आउट, और वो इक्वेशन मैटलैब से सॉल्व की जाती है। सो देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ आइटरेशंस इन इट एंड तब जाके आपको आंसर मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में कोड फीड कर दिया तो आपको एक मिनट में आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई घंटों लग जाते हैं, कई दिन भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। सो फॉर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज अ चार्ट कॉल्ड एज हाइसलर्स चार्ट। नाउ टू यूज हाइसलर्स चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to understand certain dimensionless terms. So for example, when we talk of temperature at x when time is t, what is the meaning of this? The meaning of this is that from the middle plane of the wall there is a particular section at a distance x. So what is the temperature of this section when the time instant is t? So hum kya karte hain, first of all we define this temperature in form of dimensionless temperature. Hum is temperature ko dimensionless temperature ki terms mein likhenge. And how will you write that dimensionless temperature? You will write it as theta by theta naught. Now the very first question is, what is theta? So theta is called as temperature excess. Theta kya bolte hain? टेम्परेचर एक्सेस बोलते हैं, टेम्परेचर एक्सेस। सो थीटा क्या बन जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू टेम्परेचर एट अ पोजिशन वेन टाइम इज टी माइनस फ्लूइड टेम्परेचर। सो दिस विल बिकम थीटा ऑफ पोजिशन एक्स वेन टाइम इंस्टेंट इज टी। अब इसका मीनिंग क्या है, हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ अ पॉइंट इज ग्रेटर देन फ्लूइड टेम्परेचर व्हेन द टाइम इंस्टेंट इज टी। किसी भी पॉइंट का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो फ्लूइड के टेम्परेचर से कितना ज्यादा है। एंड आई थिंक एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स थर्मल इक्विलिब्रियम द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट एंड फ्लूइड टेम्परेचर इट विल डिक्रीज। So this value will decrease with time. ये वाला जो value होता है ये time के साथ decrease करता है, this value decreases with time. So अगर किसी को इसका meaning लिखना हो, किसी को meaning लिखना हो, so you can write at a time instant t, how much the temperature at point x, how much the temperature at point x or section x, the temperature at point x, section x भी लिख सकते हो, is greater than temperature of fluid, वो fluid के temperature से कितना ज्यादा है, is greater than temperature of fluid. Guys एक मिनट, so मेरा टूल बॉक्स जो है पीछे चला गया था, okay, greater than temperature of fluid, is greater than temperature of fluid. Temperature of fluid. अब आप बोलेंगे theta naught, so theta naught क्या होता है, so हमें पता है initially पूरी की पूरी wall उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो इफ आई राइट लाइक दिस, व्हाट विल यू से, टेम्परेचर एट एनी पोजिशन एक्स व्हेन द टाइम इज जीरो, सो दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू हाउ मच, टी नॉट। सो दिस टेम्परेचर माइनस फ्लूइड टेम्परेचर, दैट इज टी नॉट माइनस टी एफ। सो इनिशियल टेम्परेचर एक्सेस, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल टेम्परेचर एक्सेस। तो इनिशियली सभी पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम है जो कि टी नॉट है, और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली वो 300 डिग्री सेल्सियस है, तो टी नॉट माइनस टी एफ आपका थीटा नॉट बन जाता है। तो ये जो आपने थीटा बाय थीटा नॉट लिखा है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनलेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर, डायमेंशनलेस टेम्परेचर, ये आपका डायमेंशनलेस टेम्परेचर है।
ये आपका डायमेंशनलेस टेम्परेचर है, ठीक है। उसी तरह हम बाकी टर्म्स को भी, तो जैसे आपने टेम्परेचर को डायमेंशनलेस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, लाइक द वे यू हैव रिप्रेजेंटेड टेम्परेचर इन डायमेंशनलेस फॉर्म, सिमिलरली यू विल रिप्रेजेंट पोजीशन इन डायमेंशनलेस फॉर्म। सो दिस पोजीशन विल बी रिटन एज, दिस पोजीशन विल बी रिटन एज कैपिटल एक्स। सो डायमेंशनलेस पोजीशन दिस विल बी इक्वल टू पोजीशन डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द बॉडी। अब आपको ध्यान रखना है फॉर अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, जब हम अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बाय एक्सपोज सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ बॉडी बाय एक्सपोज सरफेस एरिया। एंड फॉर अ प्लेट दिस इज इक्वल टू थिकनेस बाय टू, प्लेट के लिए ये थिकनेस बाय टू के बराबर होती है, सिलेंडर के लिए ये रेडियस बाय टू के बराबर होती है, और स्फेयर के लिए भी ये स्फेयर के लिए रेडियस बाय थ्री के बराबर होती है। सो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। देन यू विल ऑल्सो राइट टाइम, सो टाइम विल बी रिटन एज फोर ईयर्स नंबर। टाइम को भी हम डायमेंशनलेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे फोर ईयर नंबर। एक्चुअली फोर ईयर नंबर का मतलब होता है कितनी आसानी से जो टेम्परेचर फ्रंट है, टेम्परेचर वेव है, वो पेनिट्रेट कर रही है। मैं अभी इसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं, अभी हमारा एजेंडा है हाइसलर्स चार्ट सॉल्व कैसे करना है। मगर यहां पर फोर ईयर्स नंबर इज द डायमेंशनलेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम। And finally, we will represent the important properties HLC by K. We will represent it as Biot's number. Or Biot's number kya hota hai? HLC by K. That is the ratio of internal resistance to conduction by internal resistance to convection. Ab bari aati hai. इन चार्ट्स को यूज कैसे करना है। सो चार्ट्स को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि थीटा दैट इज द टेम्परेचर ऑफ अ पॉइंट एक्स व्हेन टाइम इंस्टेंट इज टी। ऑब्वियसली इसमें माइनस टीएफ भी आएगा, मगर मैं ऐसे डायरेक्टली बोल रहा हूं, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट एक्स व्हेन टाइम इज टी डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट एक्स व्हेन टाइम इज टी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ मिडल प्लेन फॉर द सेम टाइम। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम अपने वॉल वाले फिगर में जाएंगे, किसमें जाएंगे, वो जो वॉल वाला फिगर बनाया ना ये वाला, तो इसमें टेम्परेचर वैल्यूज लिखी हुई हैं, थोड़ा सा हॉजपॉज हो गया है, सो मैं यहां फटाफट से वैल्यूज लिख देता हूं, दोबारा से वैल्यूज लिख देता हूं। सो पहले क्या था, 300 300 300 300, है ना, लाइक दिस वैल्यूज वर देयर। देन यू हैड 250 300 300 and 300 250, then you will have 200 250 300 250 or 300, ठीक है। अब मान लीजिए वो बोलता है कि दिस इज द टेम्परेचर एट टी इक्वल टू जीरो, दिस इज द टेम्परेचर एट 1 second एंड दिस इज द टेम्परेचर एट 2 second। अब वो बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन थीटा फॉर सेक्शन एल बाय टू व्हेन द टेम्परेचर इज 3 second 2 second, ठीक है, मान लो ऐसे बोलता है। सो एक्स इक्वल टू एल बाय टू, एक्स इक्वल टू एल बाय टू का मतलब है राइट हैंड साइड सरफेस। सो वॉट इज द टेम्परेचर ऑफ राइट हैंड साइड सरफेस एट टी इक्वल टू 2 second 200। So how do you write theta? Theta is written as temperature of the point minus fluid temperature. So what is the temperature of point? 200. So ये बन जाएगा 200 minus TF. So fluid temperature कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो ये मैंने क्या लिखा, theta लिखा for 2 seconds, मैंने क्या लिखा, theta for 2 seconds लिखा। But थीटा x इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, थीटा x इक्वल टू जीरो का मतलब है, थीटा x इक्वल टू जीरो का मतलब है टेम्परेचर ऑफ द मिडल प्लेन फॉर द सेम टाइम, और टाइम कितना है 2 seconds है, तो इस टाइम पर मिडल प्लेन का टेम्परेचर कितना है 300। सो मिडल प्लेन का टेम्परेचर है 300, मगर थीटा का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर माइनस फ्लूइड टेम्परेचर। सो दिस विल बी थीटा x इक्वल टू जीरो। तो आप किसी भी पॉइंट का थीटा लिखते हैं और उस और मिडल प्लेन का थीटा लिखते हैं, ठीक है,
फॉर द सेम टाइम इंस्टेंट. सो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में थीटा एक्स इक्वल टू जीरो से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में थीटा एक्स इक्वल टू जीरो से मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यूज आ गई, है ना. यहां तक आई होप क्लियर है. अब दरअसल ये जो राइट हैंड साइड टर्म है, ये राइट हैंड साइड हमारे पास दो हाइसलर चार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट. सो राइट हैंड साइड जो है वो इस हाइसलर चार्ट की वर्टिकल एक्सिस है, इस हाइसलर चार्ट की वर्टिकल एक्सिस है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दूसरे हाइसलर चार्ट की वर्टिकल एक्सिस है. अब जरा देखो, अब आपको क्या दे रखा है, आपको ये कुछ वैल्यूज आई हैं, है ना, तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए. सो हम क्या करेंगे, हम जब इसको लिखेंगे थीटा बाय थीटा नॉट, दिस इज द डायमेंशनलेस टेम्परेचर एट अ पोजिशन एक्स व्हेन टाइम इज टी. डायमेंशनलेस टेम्परेचर एट अ पोजिशन एक्स व्हेन टाइम इज टी, दिस इज इक्वल टू थीटा एक्स इक्वल टू जीरो बाय थीटा नॉट. ये मैंने राइट हैंड साइड वाली टर्म को पहले लिख लिया. अब ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द डायमेंशनलेस टेम्परेचर फॉर द मिडल प्लेन. ये देखो, ये मिडल प्लेन का टेम्परेचर एक्सेस है ना. सो दिस इज द डायमेंशनलेस टेम्परेचर फॉर द मिडल प्लेन फॉर द सेम टाइम इंस्टेंट, उसी टाइम इंस्टेंट के लिए, और मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन थीटा एक्स इक्वल टू जीरो. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर एक्सेस, रेशियो ऑफ टेम्परेचर एक्सेस फॉर पोजीशन एक्स एंड मिडल प्लेन. सो आपका राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी रेशियो ऑफ थीटा फॉर एक्स And middle plane for same time instant का वो क्या कहते हैं ratio. अब जरा देखो, जैसे हम t equal to 2 second की बात कर रहे थे, तो t equal to 2 second पे temperature values क्या थी, 200, 250, 300, 250 and 200. और मैंने बोला था कि मान लेते हैं we are talking of and suppose the fluid temperature is 30, fluid temperature is 30. So I said let us say that we are talking of right hand side surface. So for right hand side surface if you talk of temperature, that is 200. So theta will become 200 minus 30, that is 170. Theta x equal to 0. So what is the temperature at middle plane? 300. So theta x equal to 0 will become 300 minus 30, that is 270. So ye aap likhenge theta for x equal to L, that will be 200 minus 30, yani ki 170. Or theta x equal to 0 यानी मिडल प्लेन, तो 300 माइनस 30 दैट इज 270, ठीक है ना. सो थीटा x equal to l का मतलब थीटा ही है, हमारे केस में थीटा ही है. सो आप देख लो, अब ये रेशियो क्या बनेगा, ये रेशियो बन जाएगा 170 बाय 270 बन जाएगा, ये रेशियो क्या बन जाएगा 170 बाय 270, और ये वाला रेशियो क्या बनेगा, थीटा x equal to 0 कितना है 270, और हमारा थीटा नॉट कितना था 300 माइनस 30 270, तो ये रेशियो अभी 1 आ रहा है. ये रेशियो भी चेंज करता है मगर करेंटली ये रेशियो 1 आ रहा है, ठीक है. अब जरा देखिए, जो पहला रेशो है, दिस फर्स्ट रेशो रिप्रेजेंट्स व्हाट, द फर्स्ट रेशो रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर ऑफ मिडल प्लेन. इस रेशो से पता है क्या मिलता है हमें, इस रेशो से हमें मिडल प्लेन का टेम्परेचर मिल जाता है. क्या मिलता है, मिडल प्लेन का टेम्परेचर मिलता है, और उस मिडल प्लेन का टेम्परेचर निकालने के लिए मैं फर्स्ट ग्राफ यूज करूंगा. So, यहां पे जो राइट हैंड साइड है, दैट राइट हैंड साइड इज नथिंग, दिस राइट हैंड साइड इज नथिंग बट थीटा एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन थीटा नॉट. इसको भूल जाओ, दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक है. और यहां पर देखिए यहां पे क्या है, फोरियर्स नंबर है, ये क्या है, फोरियर्स नंबर है, और ये क्या है, 1/Biot नंबर है. सो अभी मैं दिखाऊंगा, सेकेंड क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है. और उसी तरीके से एक मिनट गाइस, उसी तरीके से अब हम करते क्या है, एक्चुअली हम करते क्या है, पहले तो हम सिस्टम का बायोट्स नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर हमें जिस टाइम के लिए हमें टेम्परेचर निकालना है उसका फोर इयर्स नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं.
फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये वैल्यू पता लगेगी, तो हमें मिडल प्लेन का टेम्परेचर पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा? मिडल प्लेन का टेम्परेचर पता लगेगा। और एक बार मिडल प्लेन का टेम्परेचर आ गया तो हम सेकंड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड रेशियो में हम क्या करेंगे, मिडल प्लेन का टेम्परेचर पता लग गया तो हम हमारे प्लेन का टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके लिए हम सेकंड ग्राफ यूज करते हैं। मगर सेकंड ग्राफ में जो बॉटम है वो बॉटम 1/Biot's नंबर है, बॉटम एक्सिस, और ये वाली जो लाइंस हैं ये लाइंस हैं डायमेंशनलेस एक्स, तो हमें ये वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। सो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब हल्का सा आइडिया दिया है मगर देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सो ऑब्वियसली आपको जिस भी पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है, जिस टाइम पे निकालना है, तो जिस पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है उसका डायमेंशनलेस एक्स पता होना चाहिए, जिस टाइम पे निकालना है उस टाइम का फोरियर्स नंबर पता होना चाहिए, और बॉडी का बायोट नंबर भी पता होना चाहिए। जब तक आपको ये तीन वैल्यूज नहीं पता होती तब तक आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब भी आपको अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप अपने बायोट नंबर, फोरियर नंबर और डायमेंशनलेस एक्स को सॉल्व कीजिए। किस किस को सॉल्व करेंगे? बायोट्स नंबर, डायमेंशनलेस नंबर और एक्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं बायोट्स नंबर सॉल्व करता हूं पहले, और बायोट्स नंबर सॉल्व करने का एक रीजन है, पहले मैं सॉल्व करूंगा बायोट्स नंबर। सो गाइस ये देखिए, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बायोट्स नंबर इज इक्वल टू HLC/K, बायोट्स नंबर इज इक्वल टू HLC/K, और H कितना दे रखा है, 90 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन दे रखा है। फिर आपको K कितना दे रखा है, 370 दे रखा है, और आपकी करेक्टरिस्टिक लेंथ क्या आएगी भैया, थिकनेस बाय 2, सो करेक्टरिस्टिक लेंथ बन जाएगी 6.25/2, मगर 2000 क्योंकि थिकनेस mm में है, बाकी दोनों वैल्यूज SI में थी मगर थिकनेस mm में है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। अब चेक करो गाइस बायोट्स नंबर कितना आ रहा है, प्लीज बी फास्ट, प्लीज डू लेट मी नो बायोट्स नंबर कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बायोट्स नंबर कितना आ रहा है, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बताइए बायोट्स नंबर कितना आ रहा है। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं, चेक करते हैं बायोट्स नंबर कितना आ रहा है। लेट अस चेक हाउ मच इज द बायोट्स नंबर, लेट अस चेक हाउ मच इज द बायोट्स नंबर। बाकी ये पहला क्वेश्चन जो है ये मैंने एक्चुअली राजपूत साहब की किताब से उठा लिया, और फिर बाकी जो दो क्वेश्चंस हैं वो सेम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। ये पहला क्वेश्चन मैंने बुक से उठाया था, राजपूत साहब की किताब से उठाया था, और बाकी जो दो क्वेश्चंस हैं वो इसी की मॉडिफिकेशन है। सो गाइज मुझे एक बात बताओ, ये बायोट्स नंबर कितना आ रहा है? फोरियर नंबर भी फाइंड आउट कर सकते थे, डायमेंशनलेस एक्स भी फाइंड आउट कर सकते थे, मगर अभी बायोट्स नंबर कितना आया, 0.1 से कम आ रहा है। बायोट्स नंबर तो 0.00076 आ रहा है, यानी कि 0.1 से कम आ रहा है। तो जब बायोट्स नंबर 0.1 से कम हो जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी टाइम पे जो कोर का टेम्परेचर है और सरफेस का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, और बॉडी को लंप की तरह ट्रीट किया जा सकता है। यही होता है ना बायोट्स नंबर, अगर बायोट्स नंबर 0.1 से कम आ जाए। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको हाइसलर्स चार्ट की जरूरत ही नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको हाइसलर्स चार्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर पता है क्या होगा, यहां पर कोर का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर इकट्ठे फॉल डाउन करेंगे, कोर का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर इकट्ठे फॉल डाउन करेंगे। सो क्या होगा, टी इक्वल टू 0 सेकंड पे कोर का टेम्परेचर सरफेस का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस था, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे कोर का टेम्परेचर सरफेस का टेम्परेचर 280 डिग्री सेल्सियस था, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे कोर का टेम्परेचर सरफेस का टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस था। सो बायोट्स नंबर जितना कम होता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, यानी कि किसी भी टाइम पे कोर का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर सेम आएगा, कोर का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर सेम आएगा। ये टेम्परेचर टाइम के साथ तो डिक्रीज करेगा मगर किसी भी टाइम पे कोर और सरफेस का टेम्परेचर सेम होगा। तो इस केस में तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लगाते हैं, T-T0 इज इक्वल टू T0-TF e^(-T/tau) लगाते हैं, है ना, मेरे ख्याल से यही करते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, प्लीज डू लेट मी नो, ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, प्लीज डू लेट मी नो इफ दैट इज करेक्ट और नॉट।
और इनफैक्ट ये जो पावर है ना, ये पावर आपकी बायोट्स नंबर इंटू फोरियर नंबर ही है, ये पावर आपकी बायोट्स नंबर इंटू फोरियर नंबर ही है। आओ देखते हैं कैसे। सो टाओ क्या होता है? टाओ होता है रो वी सी बाय एच ए। सो अगर हम इस पावर की बात करें, ये पावर क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा एच ए बाय रो वी सी इंटू टाइम बन जाएगा, ये पावर है आपकी, ठीक है। मगर वॉल्यूम बाय एक्सपोज सरफेस एरिया, ये तो करेक्टरिस्टिक लेंथ होती है। सो मेरे ख्याल से बन जाएगा माइनस एच टी बाय रो एल सी सी बन जाएगा, है ना। अब एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं, के से डिवाइड कर दूं, अगर हम के से मल्टीप्लाई कर दें, के से डिवाइड कर दें तो, और एलसी से मल्टीप्लाई कर दें, एलसी से डिवाइड कर दें तो माइनस एच एल सी बाय के इंटू के बाय रो सी इंटू टी बाय एलसी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है? ये बायोट्स नंबर है, और के क्या होता है? अल्फा, अल्फा टी बाय एलसी स्क्वायर फोरियर्स नंबर होता है। सो ये पावर माइनस बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर ही है। दिस पावर इज नथिंग बट माइनस बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर। सो अब हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है एक मिनट के बाद, यानी कि टी इक्वल टू 60 सेकेंड्स पर, एक मिनट के बाद जो टेम्परेचर होगा, तो कोर और सरफेस का टेम्परेचर सेम आने वाला है। यहां पे मिडल प्लेन का और सरफेस का टेम्परेचर सेम आने वाला है। तो टी इक्वल टू 60 सेकेंड्स पे हमें ये वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले तो हमें टाइम कांस्टेंट सॉल्व करना पड़ेगा। सो सबसे पहले टाइम कांस्टेंट सॉल्व करते हैं। तो जब आप टाइम कांस्टेंट सॉल्व करेंगे तो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू रो रो वी सी बाय एच ए, यानी कि रो एल सी सी बाय एच। सो ये बन जाएगा, दिस विल बी 9000 इंटू एल सी, और एल सी कितना है? 6.25 बाय 2000 है ना। और स्पेसिफिक हीट कितना है? स्पेसिफिक हीट है 380, और H की वैल्यू कितनी है? 90। तो टाउ की वैल्यू आएगी, यहां से आपको किसकी वैल्यू आएगी? टाउ की वैल्यू आएगी। सो ये एक्चुअल में लम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस का क्वेश्चन था। ये किसका क्वेश्चन था? लम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस का क्वेश्चन था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखो, जब भी अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले बायोट्स नंबर चेक करते हैं। अगर बायोट्स नंबर लेस देन 0.1 हो तो लम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस लगेगा, अगर ग्रेटर देन 0.1 हो तो आप अपना हाइसलर्स चार्ट यूज कर लेंगे। सो मेरे ख्याल से ये वैल्यू आएगी, सो 000 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा, 9 भी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 380 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 2। सो 118.75, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ। ये टाउ की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है टाउ की। सो आपका जो टाउ आएगा 118.75 आएगा। सो आपके पास टेम्परेचर क्या बन जाएगा? टी माइनस टी एफ, टी एफ कितना है? 36 इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एफ। तो टी नॉट माइनस टी एफ, हाँ मतलब अगर हाइसलर्स चार्ट नहीं दिया तो लंप ही होगा, पर मान लो अगर हाइसलर्स चार्ट दिया भी हुआ है तो भी चेक कर लेना, क्या पता कोई कंफ्यूज करने के लिए बना दे ऐसा, क्या पता कोई कंफ्यूज करने के लिए बना दे। 300 माइनस 36 ई रेस टू पार माइनस टी, तो कितना टी दिया हुआ है? एक मिनट के बाद, यानी 60 सेकेंड्स बाद, डिवाइडेड बाय टाओ विच इज 118.75। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका टेम्परेचर निकल जाएगा, ठीक है। सो ये लंप पैरामीटर एनालिसिस का क्वेश्चन है, बट एटलीस्ट हमने रिवाइज कर लिया कि हमें करना क्या है। सो सबसे पहले बायोट्स नंबर चेक करेंगे, अगर बायोट्स नंबर लेस देन 0.1 है तो आप जाएंगे लंप पैरामीटर एनालिसिस पे, और ग्रेटर देन 0.1 है तो हमने यहां पे जो मेथड देखा थीटा वगैरह वाला, ये यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि हाइसलर्स चार्ट यूज करें, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि हाइसलर्स चार्ट यूज करें। अब जरा देखो, सो मैंने क्या चेंजेस किए हैं? मैंने सबसे पहले तो वॉल की थिकनेस बढ़ा दी है, तो वॉल की थिकनेस मैंने कर दी है 20 mm। सो अगर वॉल की थिकनेस 20 mm है तो करेक्टरिस्टिक लेंथ 10 mm बन जाएगी। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने कुछ वैल्यूज को चेंज किया है। फिर से सेम क्वेश्चन है, हमें मिडल प्लेन और सरफेस का टेम्परेचर निकालने हैं आफ्टर 1 मिनट, बस मैंने थोड़ा से चेंजेस किए हैं, कुछ वैल्यूज में चेंजेस किए हैं।
और मैंने ये थर्मल कंडक्टिविटी को कम कर दिया है, तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 10 वॉट पर मीटर केल्विन है, मीटर डिग्री सेल्सियस या मीटर केल्विन है ना, टेम्परेचर डिफरेंस में डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम होता है, और कॉफिशियंट ऑफ कन्वेक्शन को बढ़ा दिया है, सो कॉफिशियंट ऑफ कन्वेक्शन कितना कर दिया है 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन कर दिया है। अब जरा बायोट्स नंबर निकालो, सो बायोट्स नंबर जब फाइंड आउट करोगे एचएलसी बाय के, यानी कि 200 इंटू 10 mm, सो 10/1000 इंटू के, और के की वैल्यू कितनी है 10 है, सो मेरे ख्याल से दीपांकर बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है, 200 नहीं आएगा बेटा, 200 नहीं आएगा, कम आएगा। सो बायोट्स नंबर की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे, सो ये 0000 तो 0.2 आ गया, बायोट्स नंबर कितना आ गया 0.2, सो बायोट्स नंबर इज ग्रेटर देन 0.1। सो अब आप बॉडी को लंप ट्रीट नहीं कर सकते, अब जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है और सरफेस टेम्परेचर है वो काफी डिफरेंट होंगे, और आप बॉडी को लंप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, तो हमें हाइसलर्स चार्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो आओ फिर, अब हाइसलर्स चार्ट फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले तो अल्फा फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फोरियर नंबर में अल्फा चाहिए होता है। सो अगर मैं अल्फा लिखूं, सो अल्फा क्या बन जाएगा, के बाय रो सी बन जाएगा। मटेरियल का के कितना है 10 वॉट पर मीटर केल्विन, रो कितना है, सो मेरे ख्याल से रो की वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है 9000 दे रखी है, रो की वैल्यू 9000 दे रखी है और सी की वैल्यू 380 है, सो यहां से आपको अल्फा पता लग जाएगा। सो आपका पास अल्फा कितना आ रहा है 10/9000/380, सो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ रही है 2.9239 × 10⁻⁶, ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब जरा देखो, अब आपको पूछा हुआ है फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ मिडल प्लेन आफ्टर 1 मिनट, यानी कि आफ्टर 60 सेकेंड्स। सो हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को टाइम को फोरियर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 60 सेकेंड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फोरियर नंबर कैसे लिखेंगे, अल्फा टी एल सी स्क्वायर लिखेंगे दिस। सो मैं क्या करूंगा, 60 सेकेंड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फोरियर नंबर निकालूंगा, सो फोरियर नंबर कितना आ जाएगा 2.9239 × 10⁻⁶ / LC का स्क्वायर, तो LC कितना है 10 mm, यानी कि 10/1000 का स्क्वायर, और टाइम कितना है 60, सो मेरे ख्याल से वो 1000 का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, सो आपके पास फोर ईयर नंबर आएगा 2.9239 × 60/100 आ जाएगा, ये आपका फोर ईयर नंबर आएगा, सो ये जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे ख्याल से फोर ईयर नंबर बनेगा 2.9, मेरे ख्याल से नहीं मतलब कैलकुलेटर से ही पता लगेगा, 2.9239 × 6/10, सो 1.754, दिस इज द फोर ईयर नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 60 सेकेंड्स। जब 60 सेकेंड होंगे तो इतना फोर ईयर नंबर आएगा, जब 60 सेकेंड होंगे तो फोर ईयर नंबर इतना आएगा, ठीक है। अब गाइस हमेशा याद रखो, अगर आपको किसी भी सेक्शन का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है फॉर वन आफ्टर 1 मिनट, तो आपको आफ्टर 1 मिनट मिडल प्लेन का टेम्परेचर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको 1 मिनट बाद किसी भी सेक्शन का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो आपको 1 मिनट बाद मिडल प्लेन का टेम्परेचर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब कि जिस टाइम इंस्टेंट के लिए, अगर 6 बजे मुझे सरफेस का टेम्परेचर चाहिए तो 6 बजे मुझे मिडल प्लेन का टेम्परेचर भी चाहिए होगा। अब मिडल प्लेन का टेम्परेचर कैसे सॉल्व करते हैं, तो मिडल प्लेन का जो टेम्परेचर होता है वो हम ऐसे लिखते हैं, थीटा एट एक्स इक्वल टू 0/θ0। तो ये वाला जो ग्राफ होता है इससे हम मिडल प्लेन का टेम्परेचर सॉल्व करते हैं, तो अगर आप यहां पे सारी वैल्यूज डाल दें तो थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है टेम्परेचर एक्सेस, सो टेम्परेचर एक्सेस फॉर मिडल प्लेन डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर एक्सेस ऑफ द स्लैब, ये आपका मतलब टर्म है, ये हमारी टर्म है।
सो ये डायमेंशनलेस टेम्परेचर ऑफ मिडल प्लेन है, ठीक है ना। सो किसी भी टाइम इंस्टेंट का, किसी भी टाइम इंस्टेंट का मिडल प्लेन का टेम्परेचर। अब हमारे लिए ये टाइम इंस्टेंट 1 मिनट है, तो उसका मैंने फोरियर नंबर निकाल के रखा हुआ है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम चार्ट देखेंगे। सो ये वाला जो चार्ट है हमारा एक्चुअली ये कट हो गया था। सो जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था तो ये कट हो गया था, मगर ये चार्ट में वर्टिकल एक्सिस क्या है, थीटा एक्स इक्वल टू 0/θ0 है। अब जरा देखना मैं इस चार्ट को कैसे यूज करूंगा। सबसे पहले तो ध्यान रखो कि इस चार्ट में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो फोरियर नंबर होता है, कहने का मतलब टाइम। What is the temperature of middle plane after some time? तो ये ग्राफ आपको क्या फाइंड आउट करके देगा, temperature of middle plane after some time, ठीक है। तो इसलिए वर्टिकल एक्सिस पे मिडल प्लेन का टेम्परेचर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम। अब उसके अलावा कुछ ब्लू कलर लाइंस हैं। सो ये ब्लू कलर लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? 1/biot नंबर रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारा बायोट नंबर कितना आया था, हमारे लिए बायोट नंबर की वैल्यू थी 0.2। सो 1/biot नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो हमारी जो वॉल है, हमारी जो स्लैब है, उस स्लैब के जो मिडल प्लेन का टेम्परेचर है उसकी एक्सिस कहां से पता लगेगी, 1/biot नंबर इक्वल टू 5 से पता लगेगी। तो ये वाली एक्सिस से, ये वाली 1/biot नंबर इक्वल टू 5। एक काम करता हूं, इस ब्लू एक्सिस को जरा सा डार्क कर देता हूं, इस ब्लू एक्सिस को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, चीजें देखने में आसान हो जाएंगी, देखने में बढ़िया हो जाएंगी। आई होप रेड कलर विजिबल है। आई होप रेड कलर विजिबल है, आराम से देख पा रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास 5 नंबर का, अगर 1/biot नंबर 5 हो या बायोट नंबर 0.2 हो, तो आपकी जो लाइन आएगी वो ये वाली लाइन आएगी, यानी कि मिडल प्लेन का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी करेगा। अब ये रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मिडल प्लेन के टेम्परेचर का वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर बायोट नंबर मान लो बायोट नंबर 1 होता, तो 1/biot नंबर कितना होता है, 1। उस केस में जो मिडल प्लेन का टेम्परेचर है ना, मिडल प्लेन का टेम्परेचर इस लाइन के अलोंग जाता। अरे ये क्या हो गया, तो मिडल प्लेन का जो टेम्परेचर है वो इस लाइन के अलोंग जाता, ये 1 वाली लाइन के अलोंग जाता। प्लीज डू लेट मी नो अगर समझ आ रहा है कि नहीं, प्लीज डू लेट मी नो अगर समझ आ रहा है। अगर बायोट नंबर 1 होता तो 1/biot नंबर कितना होता है, वो भी 1। तो मिडल प्लेन का जो टेम्परेचर है ना, टाइम के साथ वेरी करता, वो ऐसे वेरी करता। ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, प्लीज डू लेट मी नो। तो अब ये जो रेड कलर की लाइन आई है, ये आपको अलग अलग टाइम पे मिडल प्लेन का टेम्परेचर बताएगी। सो आओ चेक करते हैं। अब हमारा टाइम 60 सेकेंड था, तो 60 सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोरियर नंबर आया है, यानी कि टाइम आया है, डायमेंशनलेस टाइम, वो कितना निकाला था, 1.754 निकाला था। कितना निकाला था, 1.754। सो एक काम करते हैं, टाइम को फाइंड आउट करते हैं, 60 सेकेंड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो 1.754, सो मेरे ख्याल से 1.754 ये आ गया। सो दिस पॉइंट इज फोरियर नंबर 1.754, यानी कि टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ये हमारी लाइन के साथ यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। सो ये जो इंक्लाइंड लाइन है, तो बॉडी का जो मिडल प्लेन का टेम्परेचर है वो इस इंक्लाइंड लाइन के अलोंग वेरी करेगा। तो जब टाइम की वैल्यू 60 सेकेंड है, तो टेम्परेचर की वैल्यू इतनी होगी, मिडल प्लेन के टेम्परेचर की वैल्यू इतनी होगी, यानी कि लगभग इतनी, तो ऑलमोस्ट 0.7। सो मिडल प्लेन के टेम्परेचर वाली वैल्यू कितनी आएगी, 0.7। टी इक्वल टू 60 सेकेंड्स के लिए मिडल प्लेन के टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आएगी, 0.7 आएगी। सो दीपांकर बेटा बताना एक बार ही, सही रीड किया है।
सही रीड किया है या कोई मिस्टेक है एक बार बताना मुझे। एक्चुअली इसका एक एनलार्ज वर्जन भी होता है, अभी दिखा देता हूं, इसका एनलार्ज वर्जन भी होता है। पहले मुझे बताइए गाइस, प्लीज बी फास्ट, प्लीज डू लेट मी नो इफ दिस इज करेक्ट और नॉट। एक बार जरूर बता दीजिए अगर ये करेक्ट है या गलत है। सो अब मुझे मिडल प्लेन के टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है, मगर ये एग्जैक्टली टेम्परेचर नहीं होता है। ये क्या होता है, ये वैल्यू कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं थीटा एक्स इक्वल टू जीरो बाय थीटा नॉट, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.7। सो अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे एक मिनट, अब आप बोलेंगे कि फॉर टी इक्वल टू 60 seconds, टी इक्वल टू 60 seconds दैट इज 1 मिनट, थीटा एक्स इक्वल टू जीरो बाय थीटा नॉट दिस इज 0.7। यानी कि टेम्परेचर एट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर द सेम टाइम यानी कि 60 seconds माइनस फ्लूइड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टी नॉट माइनस टी एफ, ये 0.7 के बराबर है। तो अगर मैं सारी वैल्यूज डाल दूं, टेम्परेचर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो मिडल प्लेन फॉर टाइम 60 seconds माइनस फ्लूइड टेम्परेचर जो कि 36 degrees Celsius है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉल 300 है, फ्लूइड का टेम्परेचर 36 है और ये रेशियो 0.7 के बराबर है, ये डायमेंशनलेस टेम्परेचर 0.7 के बराबर है। सो एक्चुअल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, एक्चुअल टेम्परेचर बन जाएगा मिडल प्लेन का टेम्परेचर फॉर 60 seconds, दिस विल बी इक्वल टू 36 plus 300 minus 36 into 0.7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 36 plus 300 minus 36 into 0.7, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 220.8 आ रहा है। यानी कि मिडल प्लेन का टेम्परेचर आफ्टर 1 मिनट, मिडल प्लेन का टेम्परेचर आफ्टर 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 220.8 degrees Celsius। ये आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक पार्ट सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन का, आपने मिडल प्लेन का टेम्परेचर निकाल लिया आफ्टर 1 सेकेंड, आपने मिडल प्लेन का टेम्परेचर निकाल लिया आफ्टर 1 मिनट, नॉट 1 सेकेंड, आफ्टर 1 मिनट, ठीक है। सो गाइज एक आंसर आया है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे चलेंगे, ठीक है। पूछिए गाइस, प्लीज डू लेट मी नो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। फाइन, चलो, मतलब दीपांकर रिप्लाई कर रहा है, दीपांकर फाइन बोल रहा है, तो आई होप बाकियों का भी फाइन है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आपने मिडल प्लेन का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया तो आप किसी और प्लेन का टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके लिए हम दूसरा हाइसलर्स चार्ट यूज करते हैं। सो ध्यान रखना है गाइस, आपको ध्यान रखना है, दो हाइसलर्स चार्ट होते हैं हमेशा। एक हाइसलर्स चार्ट बोलता है द टेम्परेचर ऑफ मिडल प्लेन, यानी कि टेम्परेचर ऑफ मिडल प्लेन बाय, सो बेसिकली टेम्परेचर एक्सेस ऑफ मिडल प्लेन बाय इनिशियल टेम्परेचर एक्सेस, और दूसरा जो रेशो होता है वो टेम्परेचर ऑफ प्लेन, एनी प्लेन बाय टेम्परेचर ऑफ मिडल प्लेन, टेम्परेचर एक्सेस ऑफ एनी प्लेन बाय टेम्परेचर एक्सेस ऑफ मिडल प्लेन। तो आप पहले चार्ट से ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फिर, अब हमें पूछा हुआ था द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। तो अगर टेम्परेचर ऑफ सरफेस की बात करें तो सरफेस के लिए x कितना होता है, L बाय 2। तो सरफेस के लिए अगर मैं करेक्टरिस्टिक डायमेंशन लिखूं, करेक्टरिस्टिक पोजीशन लिखूं, वो कैसे लिखते हैं, x अपॉन LC लिखते हैं, यानी कि L बाय 2 अपॉन LC। मगर हमें पता है कि प्लेनर वॉल के लिए L बाय 2 ही करेक्टरिस्टिक लेंथ होती है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 1। सो आपको ध्यान रखना है, आप सीधा शॉर्टकट लगाओ, जब भी हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस का डायमेंशनलेस पोजीशन जो होता है वो 1 होता है, सरफेस का डायमेंशनलेस पोजीशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब दूसरे ग्राफ पे चलते हैं। अब गाइज ये देखिए, सो ये दूसरे ग्राफ में जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज द थीटा फॉर अ सेक्शन एक्स,
डिवाइडेड बाय थीटा फॉर मिडल प्लेन, जो हम ऑलरेडी फाउंड आउट कर चुके हैं, डिनोमिनेटर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें मिडल प्लेन का टेम्परेचर पता है, हमें किसी भी पोजिशन का टेम्परेचर चाहिए। सो कई बार ग्राफ ऐसे भी दिया होता है, पोजिशन को वर्टिकल एक्सिस में लिखा होता है और यहां पे लाइंस होती है बायोट्स नंबर की, और कई बार ग्राफ उल्टा दिया होता है तो बायोट्स नंबर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बना देते हैं और कैपिटल एक्स की लाइंस दे देते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये बायोट्स नंबर है और जो ब्लू कलर लाइंस हैं वो कैपिटल एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है। जैसे हमारा कैपिटल एक्स कितना है, 1, तो हमारा कैपिटल एक्स 1 है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लाइन बन जाएगी, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लाइन बन जाएगी। अब आपका 1 बाय बायोट्स नंबर कितना आया था, 1 बाय बायोट्स नंबर आया था 5, सो 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, 1 बाय बायोट्स नंबर 5 है, सो ये बन जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब जो हमारे सरफेस के टेम्परेचर एक्सेस और मिडल प्लेन की टेम्परेचर एक्सेस का रेशो आएगा वो इतना आएगा, 0.85 के करीब आएगा। कितना आएगा, 0.85 के करीब आएगा, है ना, कितना आएगा, 0.85 के करीब आएगा। सो ये आपको क्या मिल गया है, ये आपको मिल गया है 0.85, और प्लीज नोट 1 बाय बायोट्स नंबर होता है, मैंने यहां गलत लिख दिया, मैंने बायोट्स नंबर लिख दिया मगर 1 बाय बायोट्स नंबर होता है। सो आपके आपके आपका जो सरफेस है, जिस सरफेस का कैपिटल एक्स 1 है, आपका जो सेक्शन है, जो पोजीशन पे आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हो, जो कि सरफेस है हमारे क्वेश्चन में, तो सरफेस का कैपिटल एक्स तो 1 होता है। सो इस सरफेस के टेम्परेचर एक्सेस और मिडल प्लेन के टेम्परेचर एक्सेस का रेशो 0.85 है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप सीधा बोलेंगे कि भैया इसका मतलब टी इक्वल टू 60 सेकेंड्स पर थीटा फॉर सेक्शन एक्स, यानी कि थीटा फॉर द सरफेस एंड थीटा फॉर द मिडल प्लेन, ये वैल्यू 0.85 आ रही है। मगर ये वाली वैल्यू हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके थे। सो ये वैल्यू हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था थीटा एक्स इक्वल टू 0 बाय थीटा नॉट, ये हमने 0.7 लिखा था। सो हमने लिखा था टी इक्वल टू 60 सेकेंड्स के लिए ये रेशो 0.7 होता है। इसका मतलब थीटा एक्स इक्वल टू 0 को मैं 0.7 इंटू थीटा नॉट भी लिख सकता हूं। तो अगर मुझे थीटा लिखना है तो थीटा क्या बन जाएगा, थीटा बाय 0.7 थीटा नॉट इज इक्वल टू 0.85। सो थीटा इज इक्वल टू 0.85 इंटू 0.7 थीटा नॉट। अब ये क्या है, ये आपको पहली ग्राफ से मिलता है, ये टर्म आपको दूसरी ग्राफ से मिलती है। ये वाली टर्म क्या है, रेशियो ऑफ टेम्परेचर एक्सेस ऑफ मिडल प्लेन बाय इनिशियल टेम्परेचर एक्सेस, और ये वाली टर्म क्या है, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर एक्सेस ऑफ अवर प्लेन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एक्सेस ऑफ मिडल प्लेन। ठीक है ना, सो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो थीटा, थीटा मीन्स टेम्परेचर ऑफ सेक्शन एक्स इक्वल टू एल बाय 2, क्योंकि हम एल बाय 2 की बात कर रहे हैं, फॉर टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड्स, क्योंकि हमने जो फोरियर नंबर लिया था वो 60 सेकेंड्स का लिया था, और माइनस टी एफ, तो ये तो आपके पास बन गया थीटा, सरफेस का थीटा बन गया, कब, जब आपका टाइम 60 सेकेंड्स है। सो दिस इज इक्वल टू आई थिंक मेरे पीछे छुप जाएगी, तो 0.85 इंटू 0.7 इंटू थीटा नॉट, थीटा नॉट कितना है, 300 माइनस 36, यानी कि 2, अच्छा मैंने ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 300 माइनस 36 को मैंने 270 लिख दिया, वैसे 264 होना चाहिए मगर मैंने 270 लेके कर दिया पिछले क्वेश्चन में, तो आप भी 270 लेके कर देना। वो मैंने एग्जांपल लिया था ना, जहां फ्लूइड का टेम्परेचर 30 लिया था, तो मैंने गलती से क्वेश्चन में भी फ्लूइड का टेम्परेचर 30 ले लिया है, तो आप भी वैसे ही करना। अच्छा, सो 270, तो मेरे ख्याल से अब जब हम ये टेम्परेचर निकालेंगे तो टी एफ को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 30 प्लस 0.85 इंटू 0.7 इंटू 270, ये आपको फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। सो दिस विल बिकम 30 प्लस 0.85 इंटू 0.7 इंटू
270, सो 190.65. सो ये हमें क्या पता लगा है, ये हमें पता लगा है कि इनिशियली पूरी बॉडी का टेम्परेचर 300 है, मगर आफ्टर 60 seconds कोर का टेम्परेचर लगभग 220 है और सरफेस का टेम्परेचर लगभग 190 है. सो दिस इज द ग्राफ एट टी इक्वल टू 60 seconds एंड दिस इज द ग्राफ एट टी इक्वल टू 1 second. ये हमें पता लगा है. सर 10 वैल्यू से ज्यादा कोई भी वैल्यू हुई तो 1/Biot's नंबर की तो टेम्परेचर रेशियो इज अप्रोक्सीमेट 0.9 आ रहा है चार्ट में. हाँ हाँ, मतलब ऐसा है, ये देख बिल्कुल सही कह रहा है. एक्चुअली ये चार्ट की बात कर रहे हो. सो पहली बात सर 10 वैल्यू, हाँ फिर तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी. सो एक्चुअली उस केस में हो क्या रहा है दीपांकर, वो यही तो बोल रहा है बेटा, ये 1/Biot नंबर है, ये 1/Biot नंबर है ना. सो 1/Biot नंबर का मतलब क्या होगा, अगर 1/Biot नंबर 10 है तो बायोट नंबर 0.1 हो जाएगा. सो ये एक्चुअल में कौन सी जोन है बेटा, ये जोन है आपकी लंप पैरामीटर एनालिसिस की. तो वो कह रहा है कि लंप पैरामीटर एनालिसिस में रेशियो 1 ही होगा, लंप पैरामीटर एनालिसिस में ये रेशियो 1 होगा, वो यही बोल रहा है ना. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू प्लीज डू लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर और नॉट, कैसे हमने दो चार्ट को यूज किया. अब हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है जो इस क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है. सो देखो हाइसलर्स चार्ट में दो पॉसिबिलिटी आएंगी, आपको इनिशियल कंडीशन दे दी ठीक है, और बोल रहे हैं कि किसी टाइम के बाद फाइनल टेम्परेचर निकालो, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल टेम्परेचर ये है, टाइम निकालो. बिल्कुल वैसे ही जैसे लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस में होता था. लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस में भी दो पॉसिबिलिटी बनती थी. एक पॉसिबिलिटी बनती थी कि भैया आपको ना इनिशियल कंडीशन दे रखी है, टाइम दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर निकालो, या फिर फाइनल टेम्परेचर दे रखा है, उस फाइनल टेम्परेचर को अचीव करने के लिए टाइम कितना लगेगा वो निकालो. अब यहां पे क्योंकि ग्राफ रीड करने हैं, तो ग्राफ रीड करने में कंफ्यूजन ना हो तो हम एक वैसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं. सो मैंने क्वेश्चन की वैल्यू सेम ही रखी है, बस मैंने एक चीज चेंज कर दी है. सो हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, हम फ्लूइड टेम्परेचर को 30 ले रहे हैं ना, तो आप लोग 30 लिख लेना यहां पर. सो बाकी वैल्यू सेम है, 50 cm/50 cm, 20 mm. ऑब्वियसली अब ये कॉपर स्लैब नहीं रहा है क्योंकि हमने थर्मल कंडक्टिविटी 10 W/m°C कर दिया है, तो ये अब कॉपर स्लैब नहीं रहा था. और स्पेसिफिक हीट अभी भी सेम है, डेंसिटी अभी भी सेम है, और कोफिशियंट ऑफ कन्वेक्शन अभी भी सेम है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंज आया है. आओ देखते हैं क्या चेंज आया है. हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर द टेम्परेचर एट सेक्शन 4 mm फ्रॉम द मिडल प्लेन टू फॉल डाउन टू 100°C. अच्छा, तो थोड़ी सी स्टेटमेंट मेरे पीछे छुपी हुई है, तो मैं आपको रीड करके बता देता हूं. वो बोलता है हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर द टेम्परेचर एट अ सेक्शन 4 mm फ्रॉम द मिडल प्लेन. तो मिडल प्लेन से जो सेक्शन 4 mm पे है उसका जो टेम्परेचर है कितने टाइम में फॉल्स डाउन टू 100°C. ऑल्सो फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ मिडल प्लेन एट द सेम टाइम इंस्टेंट. तो जिस टाइम, पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि भैया हमें पता है कि पहले पूरी बॉल जो है वो 300°C पे थी, मगर एक काम करो, मिडल प्लेन से 4 mm डिस्टेंस पे एक सेक्शन लो. तो इस सेक्शन का पहले टेम्परेचर कितना था, 300°C. तो ये आपके पास t इक्वल टू 0 की कंडीशन है. मगर ये टेम्परेचर 100°C कब होगा, तो वो वाला आपको टाइम फाइंड आउट करना है, और सेम टाइम के लिए आपको मिडल प्लेन का टेम्परेचर भी फाइंड आउट करना है, ये वो बोल रहे हैं. ठीक है, साउ चेक करते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब यहां पे हमें टाइम फाइंड आउट करना है, यानी कि 4 years नंबर फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, 4 years नंबर फाइंड आउट करना है ना. अच्छा, सो सबसे पहले तो हमें सेक्शन की पोजीशन दे रखी है 4 mm. सो मैं एक काम करता हूं, सेक्शन का डायमेंशनलेस टर्म लिख लेता हूं. तो सेक्शन का डायमेंशनलेस पोजीशन कितना आएगा, x/LC, यानी कि 4/10, यानी कि 0.4 है ना.
तो हमें सेक्शन का एक्स पता लग गया। इसका मतलब अगर मैं सेकंड वाला चार्ट यूज करता हूं तो सेकंड वाले चार्ट में मुझे कैपिटल एक्स की वैल्यू पता है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है 0.4, तो 0.4 के लिए जो कर्व आ रही है वो ये कर्व आ रही है ना। अब ये आपको क्या बता रहा है, आपको पता है कि हमारा जो बायोट्स नंबर है वो तो 5 है, हमारा बायोट्स नंबर कितना है 0.2, तो बायोट्स नंबर का इतना उल्टा क्या आएगा 5 आएगा। सो बायोट्स नंबर का उल्टा जो है, उल्टी वैल्यू जो है वो ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपका सेक्शन का कैपिटल एक्स और बॉडी का 1/ बायोट्स नंबर यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको पता है क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है थीटा फॉर द सेक्शन डिवाइडेड बाय थीटा फॉर मिडल प्लेन, ये वाला रेशियो मिल रहा है ना, थीटा फॉर द सेक्शन डिवाइडेड बाय थीटा फॉर द मिडल प्लेन, और ये वैल्यू मेरे ख्याल से 0.98 आ रही होगी। अब इस वैल्यू को शायद आप 0.98 कह सकते हैं लगभग, है ना। अब इससे क्या पता लगेगा, इससे काफी सारी चीजें पता लगेंगी, बताऊं कैसे, क्योंकि ये देखो थीटा फॉर द सेक्शन, तो थीटा फॉर सेक्शन क्या होता है, टेम्परेचर फॉर द सेक्शन एट अ गिवन टाइम इंस्टेंट माइनस फ्लूइड टेम्परेचर होता है, और थीटा एक्स इक्वल टू जीरो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द मिडल प्लेन फॉर द सेम टाइम इंस्टेंट माइनस फ्लूइड टेम्परेचर होता है ना। दरअसल यहां पता है क्या होगा, यहां पे हमें थीटा ऑलरेडी पता है। आप बोलोगे सर कैसे पता है, भैया हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो वाला टाइम निकालो जब इस सेक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो इस सेक्शन का टेम्परेचर जो है 4 mm वाले सेक्शन का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 100 माइनस फ्लूइड टेम्परेचर 30, और थीटा एक्स इक्वल टू जीरो कैसे लिखेंगे भैया, मिडल टेम्परेचर का तो मिडल प्लेन का टेम्परेचर तो पता ही नहीं अभी हमें, हमें तो हमारे सेक्शन का टेम्परेचर पता है जो कि 4 mm सेक्शन है, तो वो वैल्यू यहां डाली और ये बन गया 0.98। इसका मतलब आपको थीटा एक्स इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, तो थीटा एक्स इक्वल टू जीरो कितना आएगा 70 डिवाइडेड बाय 0.98 आएगा। अब थीटा एक्स इक्वल टू जीरो मिल गया यानी कि मिडल प्लेन का टेम्परेचर भी मिल गया, सो आपको क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भैया सेम टाइम का मिडल प्लेन का टेम्परेचर माइनस फ्लूइड टेम्परेचर ये क्या है, ये थीटा एक्स इक्वल टू जीरो है, तो थीटा एक्स इक्वल टू जीरो कितना है 70 बाय 0.98। सो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया मिडल प्लेन का जो टेम्परेचर है वो बन जाएगा 70 बाय 0.98 प्लस फ्लूइड टेम्परेचर यानी कि 30। सो ये आपके पास मिडल प्लेन का टेम्परेचर आ गया। जब 4 mm डिस्टेंस पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, सो मिडल प्लेन का टेम्परेचर जो है वो 101.428 डिग्री सेल्सियस है। सो प्लीज डू लेट मी नो अगर ये करेक्ट है, सभी को समझ आ रहा है, सभी को समझ आया मैंने मिडल प्लेन का टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट किया। अब मुझे सेक्शन का टेम्परेचर पता था, तो सेक्शन का थीटा पता लग गया, सेक्शन के थीटा से मिडल प्लेन का थीटा निकाल लिया और उसके लिए सेकेंड ग्राफ यूज किया। अब हमें ये पता है कि आफ्टर सम टाइम मिडल प्लेन का टेम्परेचर इतना है, तो फर्स्ट ग्राफ से वो टाइम निकल जाएगा यानी कि 4 years नंबर निकल जाएगा। अब देखो, अब आपने क्या बोला, थीटा एक्स इक्वल टू जीरो, सो आफ्टर सम टाइम थीटा एक्स इक्वल टू जीरो दैट इज 70 बाय 0.98, तो उस टाइम के लिए थीटा एक्स इक्वल टू जीरो बाय थीटा नॉट निकाल सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा 70 बाय 0.98 अपॉन 270। तो थीटा नॉट क्या होता है 300 माइनस 30 होता है, सो थीटा एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन थीटा नॉट 70 डिवाइडेड बाय 0.98 डिवाइडेड बाय 270 यानी कि 0.264। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों फाइंड आउट किया, दरअसल ये पता क्या है कि भैया मिडल प्लेन का टेम्परेचर एक्सेस डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर एक्सेस वो 0.264 है, कब, जब मिडल प्लेन का टेम्परेचर 101.428 डिग्री सेल्सियस है या फिर सेक्शन 4 mm का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है।
अच्छा सो दीपांकर एक्चुअली पता क्या होगा बेटा, वैल्यू काफी क्लोज आएगी, और वो वैल्यू क्लोज पता है क्यों आ रही है, क्योंकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट वन के करीब है, इसलिए वैल्यू क्लोज आएगी। सो अगर मैंने वैल्यूज को थोड़ा सा और वाइजली चूज किया होता ना, तो इस आंसर में और लम्ब पैरामीटर आंसर में डिफरेंस ज्यादा होता। अभी मैंने क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी में वैल्यू दिया, तो आपको दोनों आंसर काफी क्लोज मिलेंगे। अगर मैं थोड़ा ढंग से वैल्यू बनाता तो आंसर डिफरेंट मिलते, क्योंकि बायोट नंबर देखना 0.1 और 0.2, तो 0.1 और 0.2 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है ना, और हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं एक्चुअली वो टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो चुका है इसीलिए। ठीक है, आओ फिर चेक करते हैं। अब हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि भैया 4 mm डिस्टेंस पे जब टेम्परेचर 100 है, तो मिडल प्लेन पे टेम्परेचर इतना होगा, और मिडल प्लेन के टेम्परेचर एक्सेस और ओवरऑल टेम्परेचर एक्सेस वो रेशियो इतना होगा। अब हम फर्स्ट चार्ट पे जाएंगे, फर्स्ट चार्ट पे जाएंगे। सो गाइस देखो, हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है मिडल प्लेन का टेम्परेचर एक्सेस बाय ओवरऑल टेम्परेचर एक्सेस, वो 0.264 मिल गया है, 0.264। तो 0.264 यहां कहीं आएगा, ये यहां पे कहीं आएगा 0.264, तो ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। और हमारा 1/बायोट्स नंबर कितना है, 5 है। सो आपका 1/बायोट्स नंबर जो है वो 5 है, 1/बायोट्स नंबर इज 5, 1/बायोट्स नंबर इज 5। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी कि ये फोरियर नंबर बन जाएगा, तो फोरियर नंबर 19 के करीब आ रहा है। फोरियर नंबर कितना आ रहा है, 19 के करीब आ रहा है। मगर फोरियर नंबर क्या होता है, अल्फा टी बाय एलसी स्क्वायर होता है, तो अल्फा टी बाय एलसी स्क्वायर 19 है, इसका मतलब टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना आएगा, टाइम विल बी अल्फा टी बाय एलसी स्क्वायर इज इक्वल टू 19, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 19 एलसी स्क्वायर बाय अल्फा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास टाइम भी आ जाएगा। सो उल्टा चलना था, पहले हमें सेक्शन का टेम्परेचर दे रखा है एक गिवन टाइम के लिए, तो उसी टाइम के लिए मिडल प्लेन का टेम्परेचर निकालते हैं। ये काम सेकंड ग्राफ से होता है, और एक बार मिडल प्लेन का टेम्परेचर निकल गया तो फर्स्ट ग्राफ से फोरियर नंबर यानी कि टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। सो गाइज प्लीज डू लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर और नॉट। ये दो पॉसिबल वेरिएशन बनती हैं क्वेश्चन की, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया, और अगर क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूं। सो दीपांकर समझ आया? हाँ, बट दीपांकर इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है बेटा, इसमें प्रॉब्लम ये है, आपको ऐसा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो चुका है। अब इस प्रॉब्लम के हिसाब से जो टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, इसीलिए ये देखना वो ग्राफ कैसे चलता है, वो ग्राफ ऐसे चलता है, एक टाइम आता है जब ग्राफ ऐसे हो जाता है, और उसके बाद वो ग्राफ फिर ऐसे जाता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा, तो कोर और सरफेस के बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, इसीलिए। सो गाइज प्लीज डू लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब छुट्टी करके शाम की क्लास में मिलेंगे, और क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूं। सो प्लीज डू लेट मी नो। सो हाइसलर चार्ट इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। सो आपको ध्यान रखना है, वैसे तो अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन बहुत बड़ा है, बट आज तक गेट एग्जाम में हाइसलर चार्ट पे क्वेश्चन नहीं आया है, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो लम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस पे आए हैं। सो अगर हम 30 ईयर पेपर देखें या फिर उनका जो स्टेटमेंट लिखें, तो आपके अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन में यही चीजें आती हैं, क्या क्या, लम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस एंड बायोट्स नंबर और हाइसलर चार्ट। तो उसके अलावा कोई भी चीज होती है तो हम यही बोलेंगे कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये आपका कंप्लीट अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन बनता है फॉर गेट एग्जाम। अगर आपके पास टाइम होगा तो ये दो वीडियोस देख के आप हाइसलर चार्ट पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो हाइसलर चार्ट को स्किप कर दो, ये वीडियोस को स्किप कर दो, क्योंकि गेट एग्जाम में लम्ब पैरामीटर एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर आज के अभी के लिए बस करते हैं, रात की क्लास में कंडक्शन के पेंडिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और रेडिएशन के क्वेश्चंस पे जाएंगे। अरे मैंने तो पहले भी बताया था यार, सुबह की क्लास में भी बताया था कि मतलब ये वीडियो तभी देखना, मैंने स्टेटस में भी डाला था कि हाइसलर चार्ट तब देखना अगर आपको आता हो, मतलब वो अगर आपके पास टाइम हो, अगर टाइम नहीं हो तो मत देखना।
ये तो पहले ही बता दिया था, चलो ठीक है। अच्छा दीपांकर बेटा, कुछ स्टूडेंट्स ना वो बोल रहे हैं कि वो टर्बाइन रिवाइज करना चाहते हैं, तो मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स की आई हैं रिक्वेस्ट। सो तो मैंने सबसे पहले बोला है कि अभी जब हमारे ये हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो, और 22 तारीख और 26 तारीख को सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो देखता हूँ 29 या 30 तारीख को किसी एक दिन लगा के, तो वो तेरा पंप वाला चैप्टर नहीं अफेक्ट होगा, पंप वाला चैप्टर तो रात में ही चलेगा, मगर कोई एक दिन लगा मतलब देख लेते हैं। या तो जैसे ऐसा किया कि 4-5 घंटे दोपहर को लगा के आधा टर्बाइन रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट 4-5 दिन लगा के बाकी का टर्बाइन रिवाइज कर दिया, और फिर हम पंप रिवाइज कर लेंगे। हाँ मतलब आप लोगों को टर्बाइन करने की जरूरत नहीं है, पर जिनको अगर रिवाइज करना है वो डेफिनेटली देख सकते हैं। सो डायमेंशनलेस एनालिसिस और पंप्स तो हम करेंगे ही करेंगे, मगर टर्बाइन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ठीक है, पर वो क्विकली रिवाइज करेंगे, मतलब वो वैसे नहीं चलाना है कई घंटों तक है ना, क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि फटाफट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो फिर चलते हैं, ठीक है चलते हैं फिर, ओके थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।